जयकारा ऊंचे भवनों वाली का। इसलिए कि आपको पता ही न चले कब आप भजन सुनने वाले से भजन करने वाले बन जाएं, कब आपने भगवान का नाम सुना और कब आपने भगवान का नाम ले लिया आपको मालूम ही न पड़े। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि ये जो आध्यात्मिक भोजन पक रहा है यहाँ पर, इसको केवल आप पकाने वाले न बने, इसको खाने वाले भी बने, इसको खाएं भी, इसको पिए भी। नाम रस मीठारे कोई पीवे चित्र सुजान, जो राम जी का नाम पिएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती रहूंगी कि मेरे संग गाइए। जिस प्रकार से इस यज्ञ में आपने सहयोग दिया है, अब ये यज्ञ शुरू हुआ है, इसमें भी सहयोग बहुत जरूरी है। आइए चूंकि जब भी नवरात्रों का संकीर्तन होता है तो ये भजन, ये भाव माँ के चरणों में मैं सर्वप्रथम रखती हूँ, क्योंकि बुलाते करोड़ों लोग हैं माँ को और न जाने किस किस रूप में माँ जाती भी होंगी, लेकिन ऐसे स्वरूप में तो जब बड़े भाव से चिट्ठी जाती है ना, आंसुओं से भरी हुई, दिल की कलम से लिखी हुई, तब माँ गुफा से बाहर निकलती है अपने दो पुत्रों के साथ में, एक जंगल के राजा शेर और एक बजरंगबली महाराज को आज्ञा देते हुए, आज मुझे मेरे तीसरे पुत्र ने बुलाया है। तो आज देखना बड़े भाव से, क्योंकि जिस दृष्टि से आप यहाँ पर बैठेंगे, जिस दृष्टि को लेकर के, आपको बिल्कुल वैसे ही सृष्टि नजर आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आज यहाँ पर बड़ा रौनक लगी है तो रौनक दिखेगी, लेकिन रौनक के संग में आप अगर देखेंगे उस तरफ में कि नहीं, मेरी माँ विराजमान हुई है, तो फिर आपको ये महसूस होगा। भक्तों को दर्श दिखाने को दिल को खोलो, जय माता की बोलो, माँ बैठी भंडार लुटाने को। अब दोनों हाथ उठा के कहिए जय माता की, जोर से कहिए और जोर से कहिए, ये मैया मेरी कुल देवी, मैया मेरी कुल देवी, जब धरती पे आती है, मैया मेरी कुल देवी, जब धरती पे आती है, मैया मेरी कुल देवी, जब धरती पे आती है, ओ पिछली बारी भजन सुना था ना, किस किस को याद है? देखो कम से कम 500-600 लोगों ने सुना था, 3 हाथ उठे हैं ऊपर, इसलिए दोबारा गाया है, इसीलिए गाया है। अभी हम किसी से कह दे आपके जीवन में कभी कुछ दुख हुआ है, सारा याद है, ऐसे करा था, हवा ने मोते ऐसे कही थी, ऐसे कही थी, ये हुआ था, सब नहीं याद है तो क्या नहीं याद है?
भजन याद नहीं है हमारे को। आओ दोनों हाथ उठा के जरा ताली के साथ करना। और कैसे वैसा ही हिसाब किताब बना के लाते हैं। दोनों हाथ उठाइए जरा और जरा ताली की साथ करते हुए मिलकर के कहेगा एक दो तीन। आसान नहीं है, हालांकि हमको बहुत लगता है, मुझे भी लगता होगा कि भक्ति बहुत आसान है और है भी आसान। जिन्होंने भाव से भगवान को रिझाया उनके लिए बहुत आसान है, पर जिन्होंने घमंड अपने हृदय में रख करके भगवान को रिझाया उनके लिए बहुत दिल्ली दूर है, अभी बहुत दूर है। तो कहिए भगवान, न मैं जानू आरती बंदन न पूजा की रीत, बस मैं मूर्ख तो कर बैठा हूं तुम संग प्रेम की प्रीत। दोनों हाथ से ताली बजा करके रिपीट बिल्कुल मत करना, कहीं एक एक जगह बस। आया तेरे दर पे दीवाना, 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 मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। Divana, aaya tere dar pe divana।
छोड़ दो आप, इसको मत छोड़ो। प्रेम से बोलू वो सारी बोलू अम्बे कल्याणी माँ आदि भवानी। जानते मैंने क्यों मना किया है? ये जो तार है ना, ये पैरों में लिपटा रहता है। कुछ ऐसे ही संसार हमारे पैरों में लिपटा रहता है। सवेरे सवेरे मंदिर जाओ तो पोतो पग मायन लिपट जाए। दादी आज मन्ना जाओ, दादी ने डोल रख दी। अब पड़ोस में कोई कह रहे हैं मंदिर कौन जाओ आज, पोतो कौन जावा दे, पोतो को नहीं या माया पैरा मायन बढ़ रही है। तो भगवान कहते हैं कि माया को लिपटी रहने दो, अगर छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो, और नहीं छोड़ा सकते तो माया तुमको नहीं छोड़ रही है, कोई बात नहीं है। माया से लिपटे लिपटे ही मेरी तरफ हाथ बढ़ा दो, भले ही दोनों हाथ मत बढ़ाओ भगवान की तरफ, एक ही बढ़ा दो। एक हाथ से पोते पड़पोतों को पकड़े रखो, दूसरे हाथ से भगवान को पकड़े रखो। क्योंकि दोनों हाथ तो कोई बिरला ही ऊपर कर पाता है, जो संसार से दोनों हाथ छुड़ा करके ऊपर को कर देता है। लेकिन दोनों हाथ नीचे कर दिए तो आप यकीन मानिए इस भवसागर से पार निकालने वाला कोई हमको मिलेगा नहीं। अगर एक हाथ भगवान के हाथ में है तो जैसे डूबने लगेंगे ना तो भगवान एक हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेंगे, लेकिन दोनों ही हाथ नीचे हैं तो कौन किसको पकड़ेगा? आओ जरा दोनों हाथ उठा के कहो भगवान एक ही हाथ पकड़ लो जरा। जय माता दी, जय माता दी, इधर देखे बेटा, जय माता दी, ओ जय माता दी। अच्छा कौन है जो नहीं बोल रहे, जो कह रहा मैं क्यों बोलूं, मैं अठगा थोड़ी आया हूँ, मैं तो सुनवा आया हूँ। नहीं आए ना, कहिए दोनों हाथ ऐसा ही कुछ ऐसे, जैसे मैं आपको बताऊं मुंह बंद करके जो बैठे ना मैं क्यों बोलूं। अगर हम किसी किसी ब्याह शादी पार्टी फंक्शन में जाएं और हमारे सामने एक लंबी टेबल रखी हो और उसमें हजारों व्यंजन रखे हों और हमसे कोई कह दे खाओ पर मुंह मत खोलना, तो हम खा पाएंगे क्या? नहीं खा सकेंगे। मुंह खोलना पड़ेगा भोजन के लिए और मुंह खोलना पड़ेगा भजन के लिए, क्योंकि मुंह बंद करके भजन करने की अभी इतनी ताकत भगवान ने हमको दी नहीं है, वो बाद में बाद की स्थिति है। आप प्रेम से कमेंट करके जय माता दी, ओ जय माता दी, ओ प्रेम से बोलो हाँ मैया मेरी कुल देवी, जब धरती पे आती है किसको क्या देना है, माँ सोच के आती है किसको क्या देना है, माँ मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के नौ दिन बाहर के, मैं तो लाई हूँ के द्वार पे, मेरी मैया के नौ दिन बाहर
देखो मैं बावली को नहीं, मैं बावली नहीं हूं जो इतने घूम घूम के नाच रही हूं, मैं पागल नहीं हूं। यहां से बाहर आप और हम सब पेट के लिए और जमाने के लिए नाचते हैं। अगर नाचना सिर्फ हाथ पैर हिलाना है, सिर्फ घूमने को ही अगर कोई नाचना कह दे तो सारी दुनिया नाच रही है बिना पैर के। मैं आपसे कहूं कि बाजार चले जाओ, जा सकते हो? बिना हाथ हिलाए मैं आपको कह दूं भोजन बना तो क्या लो, खाई लो, नहीं खा सकोगे। लेकिन यहां से बाहर दुनिया के आगे नाच रहे हैं, यहाँ अंदर हम भगवान के आगे नाच रहे हैं कि तेरे लिए नाच रहे हैं। तू राजी तो सारा संसार राजी हो जाए, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। आओ प्रेम से बेटा उस तरफ, वो मेरी बहने कहा गए, इनको इनको बुलाओ जरा, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, आओ ऊपर। मैंने कहा ना ये सबसे पहले तो एक जैसी साड़ी वाली तो सारी आ जाओ, ये सारी हाँ आओ, आओ सब आ जाओ, आओ मिल करके आ जाओ, सारे मिल करके जय हो। भाई फोटो खींच के तुरंत बैठ जाना नीचे, हाँ बैठ जाओ, फोटो खींचो और तुरंत बैठ जाओ। कारण बताऊं क्यों? और जितने पीछे खड़े वो भी बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। भैया जी ये थैली मेरे को दे दो इधर, नहीं 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 ये मत करो, मुझे दे दो, मेरे को दे दो। इसको कहते हैं माया, ये टोफी नहीं है, माया है। इसका काम क्या है? किसी को भी जाना मत, किसी को भजन में मन किसी का लगने नहीं देना, क्योंकि आपके और मेरे जैसे लोग अगर भगवान से कुछ मांगने आते भगवान ने कुछ दे दिया भगवान का पिंड छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन भगत जो होता है वो भगवान का पिंड छोड़ता नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं इनको दूर रखो मेरे से। अब बड़ी मुश्किल से मुझे 20 मिनट आधा घंटा लगा आपकी मुंडी इधर सेट करने में, और टॉफी को एक सेकंड नहीं लगा सबकी मुंडियां उधर घूम गई ना सबकी। तो ये टॉफी क्या, आपने टॉफी नहीं खाई कभी? ये जो दोनों हाथ खुले हैं ये क्या सोच के खुले कि ये प्रसाद है? ये प्रसाद नहीं है, नहीं नहीं है। ये मैं आपको आज बता के जा रही हूँ कि या तो ये प्रसाद नहीं है, और प्रसाद नहीं है तो आप किस क्या लूट रहे थे? ये तो टॉफी है, क्योंकि प्रसाद कभी फेंका नहीं जाता है, प्रसाद हाथ जोड़ करके लिया जाता है और हाथ जोड़ के दिया जाता है। ये टॉफी है, और आप सबकी मनस्थिति को भांपने के लिए हमने ही कहा था भैया को कि जाओ जरा टॉफी फेंक करके देखो और पता चले कितना भजन में मन है अभी, कितना है। फिर हम किस हक से भगवान को कहते हैं कि तू हमारी नहीं सुनता है? भगवान कहते तू तो मेरा नाम नहीं सुनता, मैं तेरी क्यों सुनूं? तू तो नाम सुन छोड़ टोपी फेंकते ही। मजा तो तब है कि टोपी छोड़ो आपके आगे, अगर ये सच में सोने के सिक्के भी गिर जाएं और आप ऐसे ही बैठे रहो तब आकर के भगवान सामने बैठेंगे आपके। पहले खुद को चेक कीजिए ना, ना हाथ उठा के जरा और ताली की सेवा करते हुए को देते जाना, लेकिन बड़े आराम से, अभी नहीं जब मैं कहूँ आ गई रख के बैठे रहो। हाँ दोनों हाथ उठाओ, इधर से मेरे भाई लोग जरा ताली बजा करके और जोर से बोलना, प्रेम से बोलो, सारी बोलो, मिलके बोलो, और एक ऐसे चक्कर लगाना कि माँ सदा तेरे ही आगे घूमती रहूँ। मैं इसीलिए घूमती रहती हूँ कि तेरे आगे घूमियो, क्योंकि जो तेरे आगे पीछे घूम रहा है ना उसे कोर्ट कचहरियों में नहीं घूमना पड़ता, उसे अस्पतालों में नहीं घूमना पड़ता, तो घूमने नहीं देते हूँ। ये मेरे आगे पीछे घूम रहा है, हर मालिक अपने नौकर की चिंता करता है। दोनों हाथ उठा के घूम जाओ जरा, एक दो तीन चार।
दौड़ाते गए थे छह, कितने गए, कितने छह के बाद गिन के जोरदार कहना जय माता दी जय माता दी। अब दोनों हाथ उठा के जरा ताली की सेवा करते हुए एक दो तीन, जिसको नाचना नहीं आए ना, जिसको नाचना नहीं आए वो दोनों हाथ उठाओ हाँ, और गिन के यहीं पे पांच बार घूम जाओ, यही यही स्वीकार हो जाएगा। दोनों हाथ उठा के घूम जाओ मिलकर के। जब भी हम दोनों हाथ उठाते हैं जयकारे लगाते हैं कहीं ना कहीं कहते हैं भगवान डूब रहे हैं। जरा दोनों हाथ पकड़ करके कहना पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। कहिए जरा दोनों हाथ उठा के बाकी बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय जय। लोग चुप क्यों हैं आधे हाथ नीचे क्यों हैं आधे कैसे होगा जय जय श्री राधे श्याम।